हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। दो प्रोजेक्टाइल एक साथ फायर किए जाए तो क्या वो टकराएंगे या नहीं टकराएंगे, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर बैठ के अगर दूसरे को देखा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल कैसे क्या होगा, महसूस करें इसको। देखिए, सपोज करो हमारे पास एक बॉडी, एक मिसाइल यूवन वेलोसिटी से थीटा वन एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ये ऐसे जाएगी, यहाँ जाके टकराएगी। मान लो एक सेकंड प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने यू टू वेलोसिटी से थीटा टू एंगल पे प्रोजेक्ट किया और ये ऐसे जाके टकराएगी, ठीक है। अगर एक ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में है तो उसको कैसे दिखाई देगा, पैराबोलिक पैराबोलिक, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ बढ़ा दिया गया, ठीक है, वो अगर इसको देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन पथ। ये बात समझ रहे हो, कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन पथ, ठीक है। जैसे मान लो ये एक ट्रॉली है, इसके अंदर एक बच्चा है, इस बच्चे ने एक स्टोन को ऊपर फेंका। अगर ये खुद इसको देखता है तो स्टोन ऊपर जाके सीधा नीचे आ जाएगा, क्यों, इसकी वेलोसिटी भी तो बच्चे की वेलोसिटी भी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो बच्चे की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में क्या हो गई, जीरो। इसके लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन पर। लेकिन अगर एक बच्चा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो अगर इस ट्रॉली को देखता है तो इसके लिए तो ये ट्रॉली आगे भी आ जाएगी ना, समझ रहे हो मेरी बात, इसके लिए ट्रॉली आगे भी आ जाएगी। तो पत्थर का मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर ऑब्जर्वर है उसके लिए पैराबोलिक होता है, बट अगर ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में है जिस फ्रेम में बॉडी को थ्रो किया गया तो वहाँ स्ट्रेट लाइन होगा। मेरी बात समझ रहे हो, वहाँ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वैसी बातें आपको समझ में आई कि पैराबोलिक कब दिखाई देता है, जब ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में हो, और स्ट्रेट लाइन कब दिखाई देगा, जब ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में हो जिस फ्रेम से उसको थ्रो किया गया है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो अगर ये भी पैराबोलिक, ये भी पैराबोलिक ग्राउंड फ्रेम में, अगर ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा दिया जाए पत्थर के ऊपर और वो अगर इसको देखेगा तो इसको स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसे तो दोनों के ऊपर है, बट रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। चलो चेक करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई यू एक्स, बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं क्या लिखूं, यू एक्स ये कितना आ जाएगा, यू वन एक्स बोल दे दो, यू वन कोस थीटा वन, और यू वन वाई अगर बोला जाए तो क्या होगा, यू वन साइन थीटा वन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसकी बात करें यू टू एक्स, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, यू वन एक्स सॉरी यू टू एक्स और यू टू वाई, तो यू टू एक्स क्या होगा बेटा, यू टू कोस थीटा टू, और ये यू टू वाई क्या होगा, यू टू साइन थीटा टू। इतनी बात समझ में आ गई, एक्स वाई कंपोनेंट पता लग गया, ठीक है। इसको मैं अगर आई और जे की टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं उसको, यू वेक्टर को लिखा जाता है यू वन कोस थीटा वन आई कैप प्लस में यू वन साइन थीटा वन जे कैप, ऐसे लिख सकता हूँ, आई एक्स एक्स के लोग, ये वाई के लोग, ठीक है। इसी टाइप से इसको क्या लिखा जाएगा, ये यू वन है, यू टू क्या लिखा जाएगा, यू टू कोस थीटा टू आई कैप प्लस में यू टू साइन थीटा टू जे कैप। इतनी बात समझ में आ गई, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन में फर्स्ट की वेलोसिटी सेकेंड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो ये क्या होता है, u1 माइनस u2 होता है ना, तो दोनों को माइनस कर दो, u1 cos थीटा वन u2 cos थीटा, दोनों आई है, तो u1 cos थीटा वन माइनस u2 cos थीटा टू, i1 बाहर आ जाएगा i कैप, ठीक है, प्लस u1 sin थीटा वन माइनस u2 sin थीटा टू, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, j कैप बाहर आ गया, ठीक है। तो i और j की टर्म में बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी टाइप से एक्सेलेरेशन की बात करें तो ए वन पहले की एक्सेलेरेशन क्या होती है, माइनस जी जे कैप, भाई ऊपर वाई एक्सिस है तो जे कैप ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप,
ए टू का भी क्या आएगा माइनस जी जे कैप आया ना, तो बेटा ए वन टू क्या हो जाएगा माइनस जी जे कैप माइनस ऑफ माइनस जी जे कैप, माइनस माइनस प्लस ये आपस में कैंसिल, ए वन टू क्या हो गया जीरो। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलेरेशन है तो पैराबोलिक पाथ, लेकिन अगर इसकी इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एक्सेलेरेशन जीरो है। एक्सेलेरेशन क्या है जीरो, ये बात समझ रहे हो। एक्सेलेरेशन अगर जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन। ग्राफ आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो एक्सेलेरेशन रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो है एक प्रोजेक्टाइल की दूसरे रेस्पेक्ट में, और वेलोसिटी ये हो गई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसी में आगे देखिए, नोटिस करने वाली बात जो मैंने आपको बताई, क्या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज अ स्ट्रेट लाइन, याद कर लो इस चीज को। ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो पैराबोलिक होगा, अदरवाइज एक प्रोजेक्टर से दूसरे में देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इफ वन सीज प्रोजेक्टाइल गोइंग अपवर्ड, अगर कोई देख रहा है प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था गाड़ी का ट्रॉली का, एक पत्थर को ऊपर फेंका, ऊपर जाके नीचे आ गया, तो ऑब्जर्वर यहाँ था, फेंकने वाला भी यहाँ था, फेंकने वाला यहाँ पे, ऑब्जर्वर भी यहाँ पे, दोनों की वेलोसिटी सेम, वही बात समझ रहे हो। तो इसने इसको ऊपर फेंका, इसने भी देखा वही ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि वर्टिकल अपवर्ड मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे और इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट भी, ट्रॉली की वेलोसिटी भी, तो इसकी भी वेलोसिटी सबकी सेम, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई जीरो। बात समझ पा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो है तो वेलोसिटी बराबर, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था ये, द यू वन कॉस थीटा वन इक्वल टू यू टू कॉस थीटा टू। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेसिक थी। तो अगर एक कार में बैठ के एक पत्थर को ऊपर उछाला जाए तो वो पत्थर जब नीचे आएगा स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई देता है, क्योंकि कार की वेलोसिटी और मेरी वेलोसिटी सेम है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो पाथ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर कोई ग्राउंड पर खड़ा होकर देखेगा तो उसको पैराबोलिक पाथ दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या रहेगा सेम, क्लियर है ये बात, ठीक है। किसका पत्थर का और मेरा कह सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बात आती है, हमारा मेन मुद्दा था कि अगर दो प्रोजेक्टाइल को फायर करें तो कोलिजन की कंडीशन क्या होगी, है ना, बात समझ आ रही है। हमारा मेन मकसद था एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर किया, एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर किया, समझ आया मेरी बात। कंडीशन फॉर कोलिजन, कोलिजन की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। सबसे पहली बात इफ टू प्रोजेक्टाइल कोलाइड, इफ टू प्रोजेक्टाइल कोलाइड देन देयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज मस्ट बी सेम और इक्वल। अगर दो प्रोजेक्टाइल आपस में कोलाइड करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट उनके बराबर होने चाहिए, क्यों। सपोज करो एक प्रोजेक्टर गया ऐसे और एक प्रोजेक्टर गया ऐसे, तो यहां पे इन दोनों की कुछ भी वेलोसिटी है यू वन साइन थीटा वन, सॉरी यहां पे आएगा यू वन कॉस थीटा वन और यहां पे आएगा यू वन साइन थीटा वन, यहां पे आएगा यू टू साइन थीटा टू और यहाँ पे आएगा U2 cos theta 2, हाँ है ना, जब दोनों को प्रोजेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई, मैंने एक जस्ट रफ डायग्राम बनाया है। तो अगर ये दोनों कोलाइड करते हैं यहाँ पे, तो जरा ध्यान से देखो, अगर वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का बराबर होगा तो जब ये जब भी कोलाइड करेंगे तो टाइम तो दोनों का सेम होगा, स्टार्टिंग में टाइम जीरो, फिक्स टाइम के बाद ये कोलाइड करेंगे,
तो जितने टाइम में इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पे उतने ही टाइम में इसकी सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी डिफर करेगी तो इनकी हाइट अलग अलग हो जाएगी, एक यहाँ पहुँचेगा तो दूसरा यहाँ पहुँचेगा, कोलाइड हो ही नहीं सकते। इसका मतलब इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन गेन करने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मे और मे नॉट बी सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए तो अगर ये ज़्यादा है तो आगे पहुँच जाएगा, ये थोड़ा कम पहुँच जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए ताकि एक ही जगह पे जाके टकराएं। मेरी बात समझ में आ रही है? एक ही जगह पे जाके टकराएं, मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो वी वन साइन थीटा वन मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी यू वन साइन थीटा वन मस्ट बी इक्वल टू यू टू साइन थीटा टू, या मैं लिख सकता हूँ समीशन वी वाई मस्ट बी जीरो। इन दोनों की वेलोसिटी का जो नेट सम है वो क्या होना चाहिए, जीरो, या दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन, कंडीशन में पहली बात। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखो ये प्रोजेक्टाइल आ गया यहाँ पे और ये प्रोजेक्टाइल आ गया यहाँ पे, इसकी रेंज R1, इसकी रेंज R2, तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी बराबर है, फिर भी रेंज दोनों की कम है। यहाँ तक दोनों टकराएंगे तो यहाँ तक तो पहुँचना चाहिए टकराने के लिए, पहुँच ही नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ, मेन कंडीशन क्या है कि दोनों की रेंज का सम, दोनों की रेंज का सम, सम ऑफ रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल मस्ट बी ग्रेटर देन देयर सेपरेशन। मेरी बात समझ रहे हो? दोनों की रेंज का जो सम है वो सेपरेशन से ज़्यादा होना चाहिए। सेपरेशन क्या मान लें, डी, तो दोनों की जो रेंज आएगी वो डी से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि रेंज ये आर वन ये आर टू, तो आर वन आर टू डी से कम है, ये और ये बीच में गैप आ गया ना, तो एक कम है, तो दोनों की रेंज का सम क्या होना चाहिए, डी से ज़्यादा। बात समझ में आई? तो अगर दो प्रोजेक्टाइल कोलाइड करते हैं तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, क्लियर, और रेंज का सम जो सेपरेशन है उससे ज़्यादा होना चाहिए। बेसिक कंडीशन है दो प्रोजेक्टाइल के कोलाइड करने की, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा लेके चलते हैं। पहले सपोज करो मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया यू स्पीड से, ठीक है, 53 के एंगल पे। दूसरा प्रोजेक्टाइल मैंने लिया 37 के एंगल पर 50 की स्पीड से, क्लियर। दूसरा प्रोजेक्टाइल 50 की स्पीड से लिया 37 के एंगल पे और ये इतना हो गया। क्वेश्चन आपके पास ये है कि ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, इतनी बात समझ में आ गई। फाइंड यू इफ टू प्रोजेक्टाइल्स, या मिसाइल्स बोल सकता हूं मैं, कोलाइड, अगर दोनों मिसाइल कोलाइड करें, कंडीशन दे रखी है कि दोनों कोलाइड करें, चेक नहीं करनी, कुछ निकालना भी नहीं, सिर्फ ये निकालना यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपसे सिर्फ ये पूछे यू बताओ, तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी बराबर कर दो। भाई अगर दो प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेंगे तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होना चाहिए, तो वो करो। यहाँ पे क्या आएगा, u cos 53 और यहाँ पे क्या आएगा, u sin 53। अरे हाँ या ना, ठीक है, ये कितना हो गया 50 cos 37 और ये हो गया 50 sin 37, हो गया ना। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, फॉर कोलिजन वी वन वाई मस्ट बी इक्वल टू यू की टर्म में ले लो, एक ही बात कोई फर्क नहीं पड़ता, यू वन वाई यू टू वाई बराबर होना चाहिए, पहले का वर्टिकल कंपोनेंट दूसरे का वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। तो पहले का क्या है, यू साइन 53, साइन 53 फोर बाई फाइव, यू टू वाई 50 साइन 37 थ्री बाई फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल, ठीक है। यू कितना आ गया, 150 डिवाइड बाई 4 75 बाई 2, आई थिंक यू आ गया मेरे पास 37.5,
सिंपल सवाल था बिल्कुल भी, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं नीट में जेई में आ जाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, सिंपल सवाल था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर करनी है। ठीक है, और देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ सोचने वाली करने वाली बात नहीं। और देखिए अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मैं लेता हूँ क्वेश्चन, ये ले लीजिए, ये लिया मैंने 45 का एंगल और ये ले लिया मैंने 10√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 15 मीटर। क्लियर, यहाँ से मैंने लिया इसको मैं ले लेता हूँ 37। ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए विल दे कोलाइड और नॉट, बताओ भैया कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये कोलाइड करेंगे नहीं करेंगे, हमारे पास दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो सेकंड पे जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। चेक करो तो ये कितना आ जाएगा, 10 पता है ना, 10√2 cos 45 1/√2 होता है, 10√2 इंटू में 1/√2 10 बचेगा। इधर देखा जाए 10√2 sin 45 वही 1/√2 होता है, 10 बचेगा, तो ये 10 आया। इधर देखा जाए तो बेटा यह देखो इधर क्या आएगा, 40 sin 37 sin 37 3/5 कितना आया 24 नहीं हो सकता। इधर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 40 cos 37 तो cos 37 कितना होता है 4/5 32। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, u1y इज नॉट इक्वल टू u2y। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर नॉट सेम, सो टू प्रोजेक्टाइल्स विल नॉट कोलाइड। बात समझ में आ गई, वेलोसिटी बराबर नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बार मुझे समझ में आ गई। ठीक है, और देखो अगर क्वेश्चन ये ले लिया जाए, यहां से तो मैं लेता हूं मान लो सेम ऐसे ही 40 मीटर पर सेकंड और ये ले लिया 37, यहां से मैं लेता हूं 24 मीटर पर सेकंड। एक काम करो 24√2 कर लेते हैं, 45 का एंगल ले लेते हैं और ये 15 मीटर ही लेके चलते हैं। ठीक है, विल टू मिसाइल्स, मिसाइल मान लेते हैं इसको, कोलाइड और नॉट, ये दोनों कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, चेक करेंगे पहले वेलोसिटी कंडीशन, वेलोसिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो दूसरी। ठीक है भाई, चेक करो, सबसे पहले इसका देखो 20√2 cos 45 1/√2 कितना आएगा 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, इसका देखे जाए तो ये भी sin 45 1/√2 होता है, ये भी 24। क्लियर, यहाँ देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 40 sin 37 sin 37 कितना होता है 3/5 कितना आ गया 24। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया 24, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा cos 37 4/5 तो 32। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ देखो u1y कितना 24, u2y कितना बेटा वो भी 24, इसका मतलब u1y इक्वल टू u2y, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर सेम। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा है सेम। ठीक है भाई, अब क्या चेक करना पड़ेगा, दोनों की रेंज निकालनी पड़ेगी, अगर दोनों की रेंज का सम इससे ज़्यादा आता है तो कोलाइड करेगा नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को चेक करनी है। देखो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 θ / g, याद है, इसको क्या ले सकते हैं,
इसे लिख सकते हैं टू साइन थीटा कोस थीटा, ये भी ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू यू साइन थीटा इंटू में यू कोस थीटा डिवाइड बाई जी, याद आया कुछ? अरे ये वर्टिकल कंपोनेंट है ओरिजेंटल, तो टू ओरिजेंटल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बाई जी। तो क्या मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, आर इक्वल टू टू यू एक्स यू वाई बाई जी, याद कर लेना, स्मार्टनेस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब नीट जेई के लिए तैयारी करनी है तो थोड़ा बहुत शार्प होना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को शॉर्ट में करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा आर वन क्या लिखूँ मैं, टू यू एक्स यू वाई बाई जी, और वन लगा दूँ यहाँ पे यू वन एक्स यू वन वाई बाई जी, ठीक है। टू यू वन एक्स, यू वन एक्स की बात करें तो एक्स कंपोनेंट 24 वाई कंपोनेंट भी 24, 24 इंटू 24 डिवाइड बाई जी, जी कितना 10, ठीक है। ये कितना हो गया 2 इंटू 24, 24 कितना होता है 24 96, 9 48 57, 576 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 12 10 7 14 15 11 115.2 बोलो मीटर, 115.5 मीटर आ गया मेरे पास। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये मेरे पास आ गया आर वन, तो आर वन मेरे पास कितना आ गया फिर चेक कर लो एक बार, 24 24 576 1052, ठीक है इतना आ गया। इसके बाद में क्या निकालता हूँ, आर टू, आर टू देखिए कैसे आएगा, आर टू क्या आ जाएगा, टू यू टू एक्स यू टू वाई डिवाइड बाई, ये बोलो टू यू टू एक्स, सेकेंड का यू टू एक्स कितना है 32, ये कितना है 24 बटे में 10, करो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 64 इंटू में 24 डिवाइड बाई 10, तो 24 96 9 और 24 72 144 144 और 9 153, ठीक है डिवाइड बाई 10, तो 153.6। समझ में आ गई बात, तो आर वन आ गया आर टू आ गया, डिस्टेंस मैंने क्या ली थी 15, बस समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं आर वन प्लस आर टू, 115.2 प्लस में 153.6, दोनों को जोड़ दो भाई, 6 और 2 8 5 3 8 5 1 6 2, अरे बोलो इतनी बात आपके समझ में आ गई मीटर। तो आर वन प्लस आर टू इतना है और डी कितना है मीटर 15 मीटर, तो क्या आर वन प्लस आर टू ग्रेटर देन डी है, यस। तो दो प्रोजेक्टाइल आपस में कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे पास कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, बराबर कर दिया। दूसरी कंडीशन कि दोनों का आर वन प्लस आर टू दोनों की रेंज का सम इस डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी ज़्यादा है, तो दे विल कोलाइड, अरे बोलो दोनों कोलाइड करेंगे, ठीक है बात समझ में आ गई, ओके। इस टाइप के सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को भी, ठीक है। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन का टाइम बताओ कि कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे इफ दे आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, एक साथ, समझ गए मेरी बात। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, एक्स कंपोनेंट 1 2 की रिलेटिव वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट, ये इधर अपोजिट है, अपोजिट है तो आपको पता है ऐड हो जाता है, ठीक है 24 प्लस में 32, तो ये कितना हो गया 56, ओके। टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो कितना 15, तो टाइम क्या हो गया डिस्टेंस बटे में वेलोसिटी, तो 15 डिवाइड बाई 56, सर बोलो 15 डिवाइड बाई 56, दोनों को सॉल्व कर लो तो 0. ये कितना हो जाएगा 150, तो ये जाएगा 2 पे 112, ठीक है कितना बच गया 38, फिर 0 पे 0.26 सेकेंड,
एक सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्टेंस बहुत कम ली है। अगर मैं डिस्टेंस ले लूँ 150 तो एप्रिशिएबल टाइम लगेगा। वो हमने क्वेश्चन बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर आ गया। तो क्या दो प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेक करेंगे, दोनों की रेंज का सम डी से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम निकालना आ जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का सम और डिस्टेंस जो है उनके जो डिस्टेंस उनके बीच की उससे उसको डिवाइड कर दो, डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है? ओके, और देखिए समझ में आ गई होगी बात, क्वेश्चंस कैसे करने हैं आप लोगों को, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन आपके पास मान लो आ जाए, ये डिस्टेंस दे दी भाई 100 मीटर, क्या दे दी 100 मीटर। इधर से आपको डिस्टेंस दे दी, मान लो ये दे दिया आपको 30/40, क्या दे दिया बेटा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ आपको दे दिया 20√2 और ये 45 का एंगल दे दिया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। विल टू मिसाइल्स कोलाइड और नॉट, पहली बात, इफ यस अगर कोलाइड करें, फाइंड टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड। बात समझ में आ गई, कितने टाइम के बाद वो कोलाइड करेंगे, ठीक है। फिर देखिए वही बातें, 40 cos 30, cos 30 क्या होता है √3/2, तो यह आ गया 20√3। बात समझ आ गई, वर्टिकल कंपोनेंट है 40 sin 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, कितना आ गया 20। अरे बोलो, लिख सकता हूँ मैं 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, बिल्कुल समझ में आ गई बात। यहाँ से फिर 45, कोस 45 हो चाहे साइन 45 हो, 1/√2 होता है, √2 से √2 कैंसिल, तो ये भी 20 और ये भी 20। इतनी बात समझ में आ गई, तो आप लोग देख रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के सेम आ रहे हैं, तो U1/20, U2/20, इसका मतलब क्या हुआ, U1/20 और U2/20 दोनों सेम है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बात आती है कि दूसरी कंडीशन के लिए क्या करें, दूसरी कंडीशन के लिए दोनों की रेंज निकाल लो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बेटा R1 क्या आएगा, 2U1X U2U1Y, मैं समझ रहे हो मेरी बात भाई जी, चेक करो, 2U1X, पहले का U1X क्या है 20√3, U1Y कितना है 20, डिवाइड बाई G10, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 2 4 4 2 8 80√3। अरे हाँ या ना, ठीक है, रूट थ्री कितना होता है 1.73, 1.7 ले लो चल जाएगा, तो ये हो गया 8 7 56 5 13। अरे बोलो, 0 से पॉइंट हट जाएगा 136 मीटर, R1 आ गया। R2 निकाल लो भाई, R2 अगर निकालता हूँ तो R2 होगा 2U2X U2Y/G, तो 2U2X 20, ये भी 20, डिवाइड बाई G कितना होता है 10, 0 से 0 कैंसिल, तो R2 कितना आ गया 20 40 80, ठीक है भाई। यहाँ देखा जाए तो R1 + R2 कितना हो गया 136 + 80, ये आ गया 6216 मीटर। यहाँ देखा जाए तो R1 + R2 डी से ज़्यादा है, क्योंकि डी कितना है 100, डी की वैल्यू कितनी है 100 और यह है 216, इसका मतलब ज़्यादा है, इसका मतलब कोलिजन अकर्स। पहली बात चेक करनी थी क्या कोलिजन होगा, होगा तो भाई समझ में आ गया, दोनों कंडीशन मैंने चेक करवा दिया आप लोगों को, कोलिजन होगा, ठीक है भाई, कोलिजन होगा, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। इसके बाद अगर आपको टाइम निकालना है तो हम लोग क्या करें, बहुत ही आसान सी बात थी, टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, डी डिस्टेंस बटे में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट की, डी कितना 100, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो एक्स कंपोनेंट की, दोनों अपोजिट ऐड कर दो, 20√3 + 20
ट्वेंटी रूट थ्री 1.7 प्लस में 20, तो मुझे ये बता दो 17 दुनी 34 प्लस में 20 कितना हो गया 54। तो 100/54 बात समझ में आ गई। तो भाई 1 पे जाएगा 54 हो जाए 54 कितना बचा 46, पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है। 8 पे जाएगा नियरली तो 1.8 सेकंड, टाइम क्या आया 1.8 सेकंड अप्रोक्स, चेक कर लेना, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो दो प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, टाइम कैसे आएगा, कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगे, सारी बातें मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है भाई। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर, एक टावर पे के ऊपर से एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दे तो क्या होगा। तो देखो सपोज करो हमारे पास एक टावर है, यहां से यू स्पीड से 53 एंगल से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया और ये 30 मीटर की हाइट है टावर की, ठीक है। यहां से हमने एक दूसरा टावर लिया भाई, इस टावर से हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूसरी बॉडी को प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से, इसकी हाइट मान लेते हैं 70 मीटर, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। कंडीशन दे रखी है फाइंड यू इफ बोथ बॉडीज कोलाइड इन एयर, आपको दिया हुआ है कि दोनों बॉडी हवा में टकराएगी, मतलब दोनों प्रोजेक्टाइल हवा में टकराएंगे, ठीक है। तो कैसे टकराएंगे, मान लो ऐसे, ये ऐसे टकराएंगे यहाँ पे, तो बताओ यू क्या होगा, बताओ यू क्या होगा, ठीक है। इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक इसको ऐसे लिया जाए, देखो ध्यान से, इसको अगर तोड़े तो यू कॉस 53, तो यू कॉस 53, कॉस 53 क्या होता है 3/5, यहाँ से देखा जाए तो यू कॉस 53 3/5, यहाँ देखा जाए तो यू साइन 53 4/5, बात समझ में आ गई, ओके। अब यहाँ देखा जाए तो इसकी स्पीड क्या थी 10, क्लियर है, सारे मीटर पर सेकंड है, इसमें कोई परेशानी नहीं। ऐसे लिख सकते हैं ये 30 और ये टोटल 70, ये डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। ये बी था और ये ए था, आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी में हमारे पास दो वेलोसिटी होती हैं, ठीक है, एक को रेस्ट पे लिए, एक को रेस्ट पे कैसे ले आओ, एक ही वेलोसिटी निकाल लेते हैं बी के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे, तो टेकिंग बी एट रेस्ट, बहुत ही इजी सवाल है, टेकिंग बी एट रेस्ट, तो बी को रेस्ट पे कैसे लाएं, बी की इक्वल और अपोजिट जोड़ दो, तो बी 10 इधर है, इधर जोड़ दो 10, तो 10 से 10 कैंसिल, बात समझ में आ रही है, और यही अपोजिट इसमें जोड़ दो, तो कैसे जुड़ेगा अलग से डायग्राम बनाते हैं। यहां से देखा जाए तो ये ऊपर कितना था 4u/5, यहां कितना था 3u/5, और प्लस में क्या आ जाएगा 10, अगर ये 10 यहां पे ऐसे आ गया तो बेटा ये रिलेटिव क्या हो जाएगा, बी रेस्ट पे आ जाएगा, अरे बी रेस्ट पे है तभी इक्वल अपोजिट हो गया और इसका यहां भी जोड़ दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठकर अगर दूसरे को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, ठीक है, इसका मतलब अगर ये इसको टारगेट करेगा टकराएंगे तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए यहां से, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी, ऐसे, बात समझ में आ गई, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कितना था भाई, हम ले लेते हैं इसको 40, तो ये 40, ये 30 था, टोटल 70 था, तो ये कितना बचा, ये भी 40 बचा, तो इसको मैं अगर थीटा मान लूं तो आपके लिए एक ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 40 ये 40, इसको मैंने थीटा माना, तो टेन थीटा क्या हो गया 40/40 बेटा 1, और टेन थीटा 1 कितने एंगल पे होता है 45, पता है सबको, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो एक तो मुझे एंगल की दिक्कत आ रही थी, वो मैंने एंगल निकाल लिए, यहाँ से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे एंगल कितना आया भाई 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें,
तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या हो गया, ये टावर और बेटा ये टावर, ठीक है। यहां से ये ऐसे जाके टकराया, यहां पर ये ऐसे जाकर टकराया सीधा ये, ठीक है भाई। ये एंगल भी मुझे पता लग गया कितना 45, तो ये कितना था 4u/5 और ये कितना था 3u/5 प्लस में 10, ठीक है। एंगल मुझे पता लग गया, तो बेटा यहाँ देखो 10 45 मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, बेटे बेस परपेंडिकुलर क्या है 4u/5, बेस क्या है 3u/5 प्लस 10, 10 45 क्या होता है 1, तो 4u/5 3u/5 प्लस 10, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3u/5 प्लस 10 4u/5, उसको उधर ले जाओ 4u/5 माइनस 3u/5, तो बेस सेम है, यू सेम है, 4 - 3 1 दैट इज u/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू कितना आ गया 50 m/s। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी सवाल था, क्योंकि नीचे की डिस्टेंस ऊपर की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लो, इनिशियल जो आपको यू दे रखा है उसके कंपोनेंट बना दो, सेकंड वाले को रेस्ट पे ले आओ उसकी वेलोसिटी यहाँ जोड़ दो, और फिर जो एंगल आया उसका 10 निकाल लो, ठीक है। एक सवाल और देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इस टाइप की क्वेश्चन जेई पूछ लेती है आमतौर पर, मैं फॉर्मेट वही उठा रहा हूँ जो पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज उसकी वैल्यूज मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से बॉडी को 10√2 की स्पीड से प्रोजेक्ट किया 45 के एंगल पे, ये स्पीड ले ली 10, सॉरी ये डिस्टेंस ले ली 10 m, दूसरा एक टावर दे दिया गया आपको 20 m पे, ठीक है, इसको भी प्रोजेक्ट किया 10 m/s से, दोनों का सेपरेशन मान लिया d, ठीक है। इफ टू बॉडीज कोलाइड इन एयर फाइंड डी, अगर दोनों बॉडी हवा में टकराएंगी तो डी बताओ कैसे टकराएंगी भाई, ये ऐसे टकराएगी, ये इधर से ऐसे गिरेगी तो यू टकराएगी, लेकिन ये हो गया ग्राउंड फ्रेम में, काफी टिपिकल पड़ता है, हम करेंगे इसको रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, एक बॉडी को रेस्ट पे लाके, जब एक बॉडी के ऊपर बैठ के दूसरे को देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई। क्या करें देखो, ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल, ये मेरे पास दूसरा प्रोजेक्टाइल, बात समझ में आ गई। इसके कंपोनेंट अगर बनाऊंगा तो यहाँ 10 भाई 10√2 cos 45 1/√2 तो √2 कैंसिल, इधर sin 45 ये भी कैंसिल, तो ये कितना हो गया 10, बात समझ में आ रही है, अरे बोलो m/s हो जाएंगे दोनों, ठीक है भाई। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी 10, ये 10 m था, ये 20 m था, इतनी बात समझ में आ गई, ये ए था और ये बी था, फिर वही बात टेकिंग बी एट रेस्ट, तो बी रेस्ट पे लाना था, क्या करें देखो पहले कंपोनेंट बनाए, बात समझ में आ गई, बी रेस्ट पे लाने के लिए बी का अपोजिट जोड़ दो और वही अपोजिट यहाँ जोड़ दो, कैसे सपोज करो ऐसे दिस इज 10 m, इधर भी 10, इधर भी 10 m/s, ठीक है। सेकंड बॉडी को रेस्ट पे ले आओ 20 m, कैसे रेस्ट पे ले आओ 10 10 अपोजिट हो जाएगा कैंसिल, समझ गए, इधर वाला इसमें जोड़ दो तो ये भी कितना हो गया 10 m/s, क्लियर, ये समझ में आ गया। बी रेस्ट पे कैसे आ गया, बी का इक्वल अपोजिट यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो सपोज करो ये टावर था मेरा, ऊपर कंपोनेंट था 10, नीचे कितना हो गया रिलेटिव की वजह से 10 और 10 20, दूसरा टावर ये था, इस टावर पे सेकंड बॉडी रेस्ट पे हो गई अब रिलेटिवली, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको भेजूं तो सीधी जाके टकराएगी, ये भी टकराएगी थीटा, मान लो बात समझ में आ गई, ठीक है। ये 10 m,
ये टोटल कितना था 20 मीटर, तो ये 10, तो ये कितना बच गया, ये भी 10 मीटर। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है आपके पास, यहाँ 20, यहाँ ये 10 थीटा, तो बेटा टेन थीटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर बटे बेस 1/2, अरे हाँ या ना, ठीक है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई, टेन थीटा कितना आ गया परपेंडिकुलर बाई बेस। ये सेपरेशन क्या माना मैंने, डी, ये सेपरेशन मैंने क्या मान लिया, डी, अरे बोलो, ठीक है भाई। तो यहां से आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये वेलोसिटी 10, ये वेलोसिटी 20, तो वेलोसिटी से मैंने टेन थीटा निकाला, मेरे पास टेन थीटा कितना आया था 1/2 भाई, ये मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, अरे मेरी बात समझ पा रहे हो भाई, वेलोसिटी को वेलोसिटी से तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी को वेलोसिटी से कितना आया ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ टेन थीटा अप्लाई किया वेलोसिटी के लिए ट्रायंगल में, अब इस टेन थीटा को मैं दोबारा से अप्लाई करता हूँ, ये वेलोसिटी थी, अब ये दोनों बीच में क्या है डिस्टेंस डी, ये सेपरेशन कितना है 10, थीटा मुझे पता लग गया, सॉल्व करो, टेन थीटा इक्वल टू, अरे मीटर में डिस्टेंस बाई डिस्टेंस, टेन थीटा को कितना 1/2, टेन बाई डी, तो डी कितना आ गया बेटा 20 मीटर, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 मीटर, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 मीटर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, टावर दे दिया आपको 30 मीटर की हाइट पे, ठीक है, टावर दे दिया 30 मीटर की हाइट पे, यहां से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहां से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया हमने 20√2 मीटर पर सेकंड 45 के एंगल से, ठीक है। सेपरेशन मान लिया डी, सेपरेशन क्या मान लिया डी, ठीक है। इफ बॉडीज कोलाइड फाइंड डी, समझ आ गई बात। तो पहले वाले क्वेश्चंस में ऐसा सवाल था, डिस्टेंस निकालनी पड़ रही थी दोनों को सबट्रैक्ट करके, समझ रहे हो ना, यहाँ पे डिस्टेंस आपको डायरेक्ट मिल गई, डिस्टेंस आपको डायरेक्ट मिल गई। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला, आपको खुद से ट्राई करना है। करना क्या है, कंपोनेंट तोड़ दो 20 20, 10 इसको रेस्ट पे ले आओ, 20 30, अरे बोलो इतना आ गया 20 30, स्ट्रेट लाइन डाल देंगे, उसके थीटा निकाल लेंगे और फिर डिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे अभी किया था वही सवाल है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेंगे नहीं करेंगे, कितने टाइम निकालें, कितने टाइम के बाद करेंगे, इस टाइप के सवाल आ जाए तो मेरे ख्याल से अब नहीं रुकने चाहिए। हर टाइप का सवाल टिपिकल से टिपिकल हमने कंसीडर किया है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो कंप्लीट 102 के लिए है, कोई किसी टाइप का गैप नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं ले रहा है और मेरे वीडियो कंटिन्यू देखेगा तो उसको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, नीट और जेई के लिए वो बिल्कुल तैयार होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे वीडियो जाएंगे, इसलिए पुअर और नीडी बच्चों की हेल्प के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आपको शेयर करने से बहुत फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा और बच्चों को जो फ़ायदा होने वाला है वो तो होगा ही, तो कृपया करके शेयर कीजिए इसको, थैंक यू।